हम कांग्रेस आले हाथ का बटन दबा देंगे, इब के हरियाणा में उड़ाने ला देंगे। ओलंपिक 4 साल में आता है, मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता ओलंपिक की मेडल की कीमत और कहां से आता है कैसे आता है। यदि खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिलती है, हर क्षेत्र में यही बुरा हाल है। विनेश फोगाट जी आने वाली हैं, हमारी जुलाना की विधायक है। हम सभी स्त्रियां और ये हमारे बुजुर्ग सभी उसके स्वागत में यहाँ आए हैं, और सभी जात सभी वर्ग गरीब अमीर सभी उसके साथ हैं। अब की बार हम विनेश फोगाट को बहुत ज़्यादा मतों से विजयी बनाएंगे, और हम आशा करते हैं कि जैसी आस हमने विनेश फोगाट से लगा रखी है, विनेश फोगाट हमारी आशाओं पर पूरा उतरेंगे और किसी भी वर्ग को किसी भी जाति को नाराज नहीं करेंगे। हरियाणा में बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो चुकी है, हमारा हरियाणा बेरोजगारी में नंबर वन है। हम नहीं चाहते कि बीजेपी किसी भी कदर पर आए, इसलिए हम चाहते हैं कि विनेश फोगाट बहुत ज्यादा मतों से जीते और हमारी आशाओं पर खरी उतरे। कुल इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए हम आए हैं, अपने लोगों ने बुलाया है। कांग्रेस पार्टी में इसलिए आए क्योंकि बुरे टाइम पे हमारी ये पार्टी हमारे साथ में खड़ी थी, कांग्रेस पार्टी। अभी जिसका हम हिस्सा है, जो हमें बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी जो पहले चलाया गया था वो बिल्कुल नहीं था। अभी हम कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं और बोलते हैं बुरे टाइम में जो साथ देता है तो वो हमारा परिवार होता है, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी को चुना था। तो मैं जुलाना विधानसभा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अगर आप मंत्री बनते हैं, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है आपकी पार्टी, दावा नहीं किया जा रहा है, सांसद ने कल कहा कि आपको वो, चलो ठीक है, वो भावनाएं हैं हमारे सब लोगों की, सांसद हों चाहे हमारे लोग हमारे क्षेत्र के लोग, सबकी भावनाएं हैं। हमसे उम्मीद ज्यादा है, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की जो जिम्मेदारी है वो मेरे पे ज्यादा है और हम उसको पूरा निर्वाहन करेंगे उसका। महिलाओं के लिए अगर मैं एक महिला इधर आ गई हूँ तो सुरक्षा का मामला लगा लो, चाहे खेल का क्षेत्र लगा लो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र लगा लो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, उनको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमारी बहन वहाँ पे है तो वो बेझिझक अपनी बातें रख सकते हैं मेरे सामने। डांडा साहब का हमें पता ही नहीं हो कहाँ है, कभी हमारे वार्ड में आए भी नहीं, मेरे घर के सामने से नाला जाता है, आप जाके देखो कैसे हम रहते हैं यहाँ पे, और ये मेरी सभी बहनें बैठी हैं। आप किसी से भी पूछो, अगर किसी को लेस मात्र भी हमने है ना, आप डांडा साहब को तो छोड़ो, जो हमारी कमेटी की है ना हमारे वार्ड की, उससे भी आप ये पूछो कि कहाँ क्या कभी हमारे हल्के में कभी सभी पर आता हो, कुछ भी होता हो तो एक पॉइंट हमें गिनवा दो, हम उसके जिम्मेवार होंगे। सभी आज के वो एकत्रित हुई है, ये मेरी बड़ी बहन बैठी है, पूछो किसी से भी। किसान आंदोलन का भी असर है, हर बात जो मोदी साहब कहते हैं कि ये है, ये है जो हमें गुंडा कहा गया था, अब ये लुटेरे बैठे हैं, सब बातें आज हमारे याद है। बिल्कुल मोदी जी से अब कोई उम्मीद नहीं है आपको? मोदी जी से उम्मीद है आपको? बिल्कुल भी नहीं। मोदी जी क्या करेंगे, अब तक क्या कर दिया, क्या किया मोदी ने? कुछ भी नहीं बताओ। अब ये तो मोदी ने अच्छा काम किया, आईडी बनवा दी, कुछ मतलब सब कुछ डिजिटल डिजिटल, कहाँ है वो डिजिटल, क्या है डिजिटल, कुछ नहीं है, है ना। हमारा देश दोबारा पूरा का पूरा चाहता है, ये एक खिलाड़ी जिन्होंने सारे भारतवर्ष का नाम उज्जवल किया है अपनी विशेषता से, उसके बाद जो हमारी भाजपा सरकार थी जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे के साथ उठा करके हमारी ओलंपिक 4 साल में आता है, और मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता ओलंपिक की मेडल की कीमत और कहां से आता है कैसे आता है। यदि खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिलती है, हर क्षेत्र में यही बुरा हाल है। MLED के नाम पे आपके बीच में एक ऐसी चीज लेके आएंगे क्योंकि उनको पता है जो हमारे हरियाणा की जनता वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो इतनी शिक्षित नहीं है, और वो चाहते भी नहीं कि आप शिक्षित बनो, आपके बच्चे पढ़ लिख के आगे जाए।
क्योंकि अगर आपने पढ़ लिख लिया, अगर आप शिक्षित हो गए, आप अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने हर क्षेत्र में आवाज उठाने का काम करेंगे तो सरकार चाहती है कि वो ना करें। सरकारी स्कूल की जो हालत आज इतनी जर्जर अवस्था में है, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, आज तक प्राइवेट स्कूल में मैं ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ, आज तक मैंने स्कूल पढ़ा है, उसके बाद मैंने डिस्टेंस से किया था, क्योंकि खेल के क्षेत्र में जब आप रहते हो तो आपको एक ऐसा टाइम आता है कि आपको दो में से एक ही चीज करनी पड़ती है, मैंने वो खेल को चूज किया था उस टाइम पे। लेकिन मैं गर्व से बोल सकती हूँ कि उस टाइम के जो सरकारी स्कूल थे वो प्राइवेट स्कूल से भी बहुत ज्यादा आगे था। लेकिन 10 सालों में जो बीजेपी की सरकार ने जो हमारे पंचायतों के साथ में किया है, जो हमारे बड़ों का अपमान किया है, उसका बदला लेने का एक ही तरीका है। आपने सड़क पे बैठ के देख लिया, हमने सड़क पे संघर्ष करके देख लिया, कुछ हासिल नहीं होता वहां से। जब तक आपके बच्चे यहाँ से भी इससे उठ के जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे जहां आपके तकदीर का फैसला होता है, कुछ नहीं बदलने वाला है। कोई दूसरा भगत सिंह नहीं आएगा इस देश में, कोई मानता हो कि दूसरा भगत सिंह आएगा और देश को पता नहीं कौन सी ऊंचाई पे लेके चला जाएगा। हमें खुद भगत सिंह बनना पड़ेगा, खुद उनकी विचारधारा के साथ में जुड़ना पड़ेगा, उसी ईमानदारी के साथ में, उसी सच्चाई के साथ में अपने लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। 10 साल यो राज गया मारा, कुछ भी काम न कराया मारा, कुछ भी काम आया कांग्रेस ने लेके।